सो हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब ठीक हो तो जैसे टाइटल में मैंने लिखा था हम अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कैसे करें जैसे कि मेरा सिंपल सा फ़ोन है कूल नोट फाइव वो शायद अभी बंद हो गया है अमेजोन पे भी नहीं मिलता तो उसे मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया और स्वाइपर वाला फीचर उसमें डाला और उसकी थीम भी ब्लैक कर दी तो वो मैंने कैसे किया क्या किया तो वह मैं आपको बता दूंगा तो वीडियो स्टार्ट करने में पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा क्योंकि नए नए वीडियो में लाते रहता हूँ तो सब्सक्राइब कर दो यार तो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते तो जैसा कि आप मेरा फोन देख सकते हो उसमें कोई भी अच्छा फीचर तो नहीं है मैंने सिर्फ बैकग्राउंड में ब्लैक कलर रखा है तो हम इसे मॉडिफाई करते हैं उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उसका टेंशन मत लो आप फिर अब वो यूज कैसे करना वो मैं बता देता हूँ और मेरे इस फोन में अप वाला फीचर नहीं है स्क्रोल वाला फीचर है तो आप देख सकते हो तो अभी इसमें नोवा लॉन्चर ऑन कर दो आप तो जैसे ही आप ऑन करोगे ये स्वाइप वाला फीचर आपको दिख जाएगा सो आप देख सकते हो स्वाइपअप करके आप सर्च कर सकते हो और बाकी के ऐप्स यहाँ पे आ गए हैं तो नोवा सेटिंग पे जाइए और उसमें कुछ सेटिंग कंप्लीट कर लीजिए जैसे आपको एप्स कैसे चाहिए फाइव बाय फाइव या फिर फोर बाय फाइव आपके हिसाब से मुझे थोड़े स्मॉल में पसंद है तो मैं स्मॉल रखता हूँ जैसे फाइव बाय सिक्स तो यह हो गया इसमें ज़्यादा सेटिंग नहीं है इसको आप ऑन कर रख सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो इसमें आप कलर्स चूज़ कर सकते हो आपको जो पसंद है वो बैकग्राउंड के लिए तो मैंने ब्लैक चूज़ किया है तो अब ऐप ड्रावर में जाइए और जैसे आपको फीचर चाहिए वैसे सिलेक्ट कीजिए जैसे बैकग्राउंड ट्रांसमिरेटर या फिर बैकग्राउंड कलर जैसे मैं अभी ब्लैक चूज करता हूँ तो ब्लैक हो जाएगा वो तो और बहुत सेटिंग्स से 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 है इसमें और कुछ कुछ आपको खरीदने पड़ेंगे तो बा, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं या फिर वर्टिकल तो फोल्डर में सिलेक्ट कीजिए और आपको जैसे फोल्डर चाहिए वैसे कर कर लीजिए इसमें दो टाइप्स के फ़ोल्डर हैं इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो बट मुझे मुझे ब्लैक पसंद है मैं ब्लैक ही रखता हूँ तो इसमें और दो तीन फीचर्स है अगर आपको कुछ करना हो तो आप अपने मन से कर सकते हो ये मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूं आप यहाँ पे आप उसका नाम डिसअपियर कर सकते हो अपियर कर सकते हो आइकॉन्स छोटे बड़े कर सकते हो ज्यादा ही बड़े हो गए छोटे हो गए आपको जूम में चाहिए या फिर सर्कल सर्कल में चाहिए वो आप यहाँ यहाँ से चूज कर सकते हो और इसमें आप ऊपर क्लिक कीजिए फर्स्ट ऑप्शन पे और उस पर वो ऑन करके आपको जैसे ही जैसे आइकॉन चाहिए वैसे सिलेक्ट कीजिए जैसे सर्कल स्क्वायर और बहुत से दो तीन टाइप्स के हैं आप अपने मन से भी एडिट कर सकते हो तो मैं अभी फ़िलहाल यही रखता हूँ और स्क्रोल कर, करके नीचे आओ आपको जो चाहिए वो तो यहाँ पे आप थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो मैंने मुझे सभी इसमें ब्लैक थीम चाहिए इसलिए मैंने ब्लैक कर दिए और ऑन कर दिया दे। देख सकते हो पूरी थीम ब्लैक हो गई है तो इसमें और बहुत से फीचर्स है आप चाहे हो आपको जो सिलेक्ट करना कर सकते हो और हाँ जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करोगे वैसे आपको पूछेगा कि आपको फ़ोन में जैसे फीचर है उससे वैसे ही चाहिए कि जो नोवा फीचर है वैसे चाहिए तो मैं नोवा लॉन्चर करके ऑलवेज़ कर लेता हूँ कुछ लोगों को सेटिंग में जाके ऑलवेज़ करना पड़ेगा तो मेरे इसमें डायरेक्ट आता है मैंने डायरेक्ट कर लिया तो अब हम बात करते हैं इसके आइकॉन्स को ब्लैक एंड वाइट में कैसे करें तो उसके लिए आपको विकॉन्स ऐप डाउनलोड करके ओपन करना होगा विकॉन्स विकॉन्स जो कुछ भी है यार वो तो इसमें आइकॉन है वॉल पेपर से तो आप चाहो तो वॉल पेपर रखो आइकॉन रखो और हाँ एक बार आपको बताना भूल गया मैं इसके आइकॉन ऐसे ही सिलेक्ट नहीं होंगे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने आइकॉन पे क्लिक किया और इसमें बहुत से आइकॉन से हजार दो हजार के ऊपर आइकॉन से इसमें तो अगर आपने कोई सिलेक्ट किया तो सिर्फ आपको दिखेगा पर वो ओपन नहीं होगा ना ही वो आपको सिलेक्ट होगा तो उसके लिए आपको फिर से नोवा सेटिंग में जाके फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आइकॉन स्टाइल पे क्लिक कीजिए तो आपको वहाँ पे विकॉन्स दिख रहा होगा तो उस पर सिले, वो सिलेक्ट कीजिए तो अभी उसके अप, आपके फ़ोन के पूरे ऐप्स विकॉन में जैसे दिखाए दिए हैं वैसे दिख रहे होंगे जैसे कि मेरे फ़ोन में दिख रहा है आपको ब्लैक एंड वाइट कलर में तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल चा, को सब्सक्राइब कीजिए अब क्या वीडियो ख़त्म हो रही है यार ये तो मैं अपने खुद के लिए सेटिंग कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उसके बाजू वाली आंटी घंटी वाली उसको भी दबा दो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टो, नए ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय अबे जैक वन प्लस का और कितना तड़ पाएगा